हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप है अभिषेक के साथ, और आज की वीडियो में हम टॉप फिल्टर लगाना सीखेंगे और उसकी फंक्शनिंग और उसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। रिसेंटली मेरे टैंक में पावर हेड फिल्टर लगा हुआ था जो मेरे टैंक को अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मेरे एक्वेरियम का वाटर पूरा येलोइश हो रखा था। सो आई डिसाइडेड टू चेंज माई फिल्टर एंड नाउ आई बॉट सोबो टॉप हेड फिल्टर। सो लेट्स स्टार्ट। टॉप फिल्टर को लेते हुए हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि आपको उसका अपना बायोमीडिया खुद बनाना पड़ता है। तो उस बायोमीडिया के लिए जो आप इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे उसको काफ़ी प्रिसाइसली यूज़ कीजिएगा। मैं अपने इस टॉप फिल्टर के जो इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगा वो होगा एक्टिवेटेड चारकोल, सिरामिक रिंग्स एंड लावा रॉक। और बेस के लिए जो उसका डर्ट क्लैक करेगा वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कॉटन एंड फोम। सोबो के फिल्टर को अनबॉक्स करते हुए उसके साथ जो आपको एसेसरीज मिलेगी वो होगा सबसे पहले उसका पावर हेड फिल्टर जो आपका टैंक के अंदर जाएगा। देन उसके बाद आपको आपके फिल्टर का मेन स्टैंड मिलेगा जहां पर आप अपना बायो मीडिया बनाएंगे, और उसी स्टैंड के अंदर आपको सारे ही फिल्टर की वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो चीज़ें मिल जाएंगी जिससे हम उस फिल्टर को अपने एक्वेरियम के ऊपर असेंबल कर सकते हैं। जिसमें आपके कुछ पाइप्स होंगे, एक लॉन्ग इलॉन्गेटेड पाइप होगा जो आपके फ़िल्टर को एयर पंप से कनेक्ट करेगा। देन उसके बाद आपको उसमें एक जाली मिलेगी एंड नेट मिलेगा जिसमें आप अपना फ़िल्टर मीडिया रख सकते हैं। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली ताकि आप हर एक स्टेप को जान सके किस तरीके से आप टॉप फिल्टर को अपने टैंक में अरेंज कर सकते हैं। टॉप फिल्टर को अनबॉक्सिंग के बाद हम अपना नेक्स्ट चीज को अनबॉक्स करेंगे जो होगा हमारा बायोमीडिया का फर्स्ट इंग्रेडिएंट, वो है वोल्केनिक रॉक। उसमें आपको एक नेट मिलेगा और आपको बहुत सारे वोल्केनिक रॉक्स मिलेगी। इस वोल्केनिक रॉक्स का फ़ायदा क्या होता है, जितने भी आपके टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो सरफेस चाहिए होती है, जो एक प्लेस चाहिए होता है, उस जगह को प्रोवाइड आपको वोल्केनो चिप्स करती है। ये वोल्केनो चिप्स आपके बैक्टीरिया को प्लेस देगी जहाँ पर आपको बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और आपके वाटर के टैंक को अच्छे से साइकिल करने के बाद उसको अच्छे हेल्दी बनाएंगे। उस बॉक्स में नेट का यूज़ करते हैं आप सारी वोल्केनिक चिप्स उस नेट में भर के अपने फिल्टर मीडिया में डाल सकते हैं। लावा रॉक्स के बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा होगा बायो मीडिया के लिए वो होगा हमारा एक्टिवेटेड चारकोल। आप सभी को पता होगा एक्टिवेटेड चारकोल वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। ये एक्टिवेटेड चारकोल वाटर को प्योरीफाई, वाटर को क्लीन रखने में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा बेस होगा वो होगा हमारा क्लीनिंग मीडिया। क्लीनिंग मीडिया के लिए मैं यहाँ पर दो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इधर कॉटन और फोम। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें यूज़ करूँगा जिसमें से क्या होगा, फोम एंड कॉटन दोनों। फोम और कॉटन का दोनों का ये वर्क होता है कि पानी में जितने भी आपके डस्ट और फीकल मैटर होंगे फिशेस के, उन सबको कलेक्ट करने का काम ये मीडिया करता है। मेक श्योर क्लीनिंग मीडिया आपको हर 10 डेज में चेंज करना होगा ताकि आपका वाटर क्लीन रहे। इसी के साथ में वाटर क्लीन करने के लिए सिरामिक रिंग्स का भी यूज़ करूँगा। सिरामिक रिंग वाटर क्लीन करने में काफ़ी हेल्प करती है। मैंने बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए वोल्केनो चिप्स लिए। अगर आपके पास वोल्केनो चिप्स नहीं है तो आप बायो बॉल्स भी ले सकते हो, तो वो भी सेम वर्क ही करेगा जो आपका वोल्केनो चिप्स करता है। बस आई प्रेफर, मेरे लिए, मैं अपने लिए वोल्केनो चिप्स प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप बायो बॉल्स और वोल्केनो चिप्स कोई भी ले सकते हो। After unboxing, let assemble the filter. Here is a little demo of how we are going to assemble our filter. तो चलिए अब अपने फिल्टर को असेंबल करते हैं। Let's go. सबसे पहले जो आपको एसेसरीज में कुछ पाइप्स मिले होंगे उसमें से एक पाइप आपको फिल्टर के एक होल में एडजस्ट करना है, जो सबसे बड़ा पाइप होगा। देन उसके बाद उसमें से एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा जो आपके सम्प बनाने में हेल्प करेगा। उस सम्प को उस पाइप के ऊपर आपको इस तरीके से फिक्स करना है ताकि आपका एक दो चेंबर में वो बढ़ जाए। दो चेंबर में बढ़ने के बाद आप अपना फिल्टर मीडिया उस फिल्टर में सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना नेट और वो शीट आपको अपने फिल्टर मीडिया पर लगानी है, क्योंकि वही आपका एक बेस देगा सारे फिल्टर मीडिया को इस फिल्टर में रखने के लिए। मैं बेस लाइन के सबसे पहले फोम यूज़ कर रहा हूँ। फोम यूज़ करने का फ़ायदा यह होता है कि उसके पास होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वाटर ज़्यादा अच्छे से होल्ड करता है।
जितना भी वाटर आपका ज़्यादा देर फिल्टर में रहेगा उतना ही क्लीन करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहली लेयर जो मैं यूज़ करूँगा वो फोम की होगी, देन उसके बाद वाटर क्लीनिंग के लिए मैं डालूँगा सेरामिक रिंग्स। फर्स्ट लेयर मैंने सेरामिक रिंग्स की बनाई ताकि वो वाटर क्लीन कर सके। वोल्केनो चिप्स में जो मेरे को नेट मिला था मैं उस नेट को एक्टिवेट चारकोल भरने के लिए यूज़ करूँगा, क्योंकि उनका साइज़ बहुत छोटा था जिसकी वजह से वो मेरे बेस में से गिर रहे थे। उस नेट को यूज़ करके मैं एक्टिवेट चारकोल का एक अलग से मीडिया बना के उस बेस पे, उस फिल्टर मीडिया पे सेट कर दूंगा मैं। मेक श्योर आप कोई भी अपना बायो मीडिया एक्सेस में यूज़ ना करें, तब तो आपका फिल्टर मीडिया प्रॉपरली बंद नहीं होगा। सेकेंड लेयर एक्टिवेट चारकोल बनाने के बाद नेक्स्ट लेयर मैंने वोल्केनो चिप्स के लिए। वोल्केनो चिप्स का सेम वही फंक्शन होगा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया के जगह देंगे ताकि उसको अच्छे से वाटर को साइकिल कर पाए। वोल्केनो चिप्स को मैंने पूरे मीडिया में फिल कर दिया था ताकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो हो सके। एंड एट दी एंड बिल्कुल लास्ट लेयर पर जो मैं यूज़ करूँगा वो मैंने यूज़ करी कॉटन। फर्स्ट स्टेज पे मैंने हमेशा दोनों में क्लीनिंग मीडिया यूज़ कर रहे हैं ताकि जो पानी जाए वो क्लीन होके जाए, एंड बीच में जो मेरा फिल्टर मीडिया हो वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए ही हो ताकि वो ग्रो कर सके। इसलिए मैंने फर्स्ट लेयर एंड लास्ट लेयर दोनों ही क्लीनिंग मीडिया के लिए यूज़ करी। आफ्टर अरेंजिंग और बायो मीडिया आपको अपने फिल्टर के लिए जो वाटर सप्लाई होगा उसका पाइप आपको अपने फिल्टर मीडिया पे फिक्स करना होगा। आफ्टर दिस मेक श्योर आपको अपने फिल्टर हेड के लिए एक प्रोटेक्टिव कवर मिला होगा जिससे आपके फिश फिल्टर में नहीं फंसेगी। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से था कि मैंने पानी क्लीन करते हुए मैंने वो प्रोटेक्टिव कवर हटा दी जिसकी वजह से मेरी डॉलर फिश पंप के अंदर चिपक चुकी थी। उससे कोई डैमेज नहीं हुआ, बट मेक श्योर आप ये मिस्टेक ना करें और पंप को जब भी आप वाटर के अंदर डालें तो उसका प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन हो ताकि कोई भी फिश को आपका वो पंप सक ना करे। लास्ट स्टेप जो हमारा था वो था आउटलेट एंड इनलेट, जिसमें हमें फिल्टर मीडिया की पाइप को अपने पावर हेड की पाइप से ज्वाइन करना था। एंड दैट्स इट, योर फिल्टर इज रेडी। अब आपको अपने फिल्टर को अपने एक्वेरियम पे एक सूटेबल जगह पे देख के उसको फिक्स करना है। मेक श्योर आप अपना फिल्टर किसी एक्वेरियम के कोने पे रखें ताकि आपका पावर हेड फिल्टर किसी भी एक्वेरियम ग्लास पे इजी स्टिक हो सके। एंड दैट्स ऑल। उसके बाद बस आपको अपना फिल्टर ऑन कर देना है एंड सी द मैजिक आफ्टर 2 डेज। 2 दिन के बाद आपको आपके एक्वेरियम वाटर में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। इस फिल्टर को यूज़ करते हुए मेरे को 4 महीने हो गए और ये फिल्टर बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। मेरे टैंक का जो डायमेंशन है वो है 4 फीट × 1.5 फीट × 2 फीट। 4 फीट तक और 4 फीट से कम के टैंक को ही आपका काफ़ी ईजिली क्लीन कर देगा। अगर आपके पास कोई भी 4 फीट का टैंक और आपके पास कैनेस्टर फिल्टर के लिए बजट नहीं है तो आई रिकमेंड कि आप जाके टॉप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। टॉप फिल्टर आपके 4 फीट के टैंक के लिए बेस्ट सूटेबल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।